गुड मॉर्निंग। सो आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? लॉगरिदम चैप्टर, राइट? परफेक्ट। लॉगरिदम चैप्टर का रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लॉगरिदम पे थोड़ा बहुत फॉर्मूला को एक बार रिकैप कर ले क्या? लॉग का फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद है आप लोगों को? अगर हम बोले लॉग एम एन है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? लॉग एन, राइट? ठीक है, अगर मैं बोलूं लॉग एम बाय एन है तो कैसे लिखा जा सकता है इसको? लॉग एम माइनस लॉग एन, राइट? वैसे ही अगर हम लिखें लॉग ए टू द बेस बी है तो इसको अगर उल्टा करके लिखना है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? लॉग बी टू द बेस ए लिखा जा सकता है क्या? कोई दिक्कत? ओके मैं अगर बोलू लॉग ए बी लॉग बी सी इंटू लॉग सी डी है तो इसको इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? जैसे कि यहां से बी कैंसल आउट हो जा रहा है, यहां से सी कैंसल आउट, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? फाइनली लॉग, बताइए, लॉग ए टू द बेस डी नहीं बच जाएगा क्या? बाकी तो कैंसिल ही हो जा रहा है। ठीक है, और कुछ ऐसा अगर रहे लॉग एक्स टू द पावर एन तो ये कैसे लिखा जा सकता है? एन सामने आ जाएगा ना, एन सामने, और इसको कैसे लिख सकते हैं? एन लॉग एक्स। कोई दिक्कत अभी तक? नहीं ना। वैसे ही अगर मैं बोलूं लॉग मैं अगर बोलूं लॉग नीचे मान लेते हैं ए है, ए के पावर में एन है, या मान लीजिए वाई है, ठीक है, वाई के पावर में क्या है? एन है। तो ऐसा वाला जब भी रहता है ना, बेस में पावर जब रहता है वो सामने आता है बट उल्टा होके आता है, 1/n, 1/n लॉग क्या हो जाएगा? एक्स टू द बेस वाई। कोई दिक्कत अभी तक? नहीं ना। करेक्ट। और कुछ बात देखिए, अगर ऐसे लिखा हो ए लॉग एक्स टू द बेस ए तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ध्यान दे रहे क्या सब? लॉग ए टू द पावर, ए टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस ए, ए टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस ए, तो इसको ना सीधा ए जो यहाँ पे है ना इसको लॉग के वैल्यू में भेज सकते हैं हम लोग, और ये एक्स को नीचे ला सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? लॉग एक्स टू द पावर, सॉरी, एक्स टू द पावर लॉग ए टू द बेस ए। समझे क्या? ये आपस में जगह चेंज कर लिया, ए और ये एक्स, ठीक है, ये लॉग का प्रॉपर्टी है। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स टू द पावर, जब भी लॉग का, हाँ, तो ये एक्स आ जाएगा क्या इसका वैल्यू? मतलब मेरा कहने का मतलब ये था ना, जब भी लॉग का वैल्यू और बेस सेम हो तो उसका वैल्यू क्या आता है? वन आता है ना। और आपको ये भी पता है ना कि लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है? हाँ, कुछ नहीं है तो बेस में क्या है? 10। लॉग 10 का भी वैल्यू क्या है? वन है। कोई दिक्कत अभी तक? नहीं ना। ओके,
नेक्स्ट। चलिए अब चैप्टर पे भी आ जाते हैं हम लोग। ओके हाँ, जब क्लास में चैप्टर को कराए थे तो पहले तो इसको समझाने में ही टाइम वेस्ट किए थे कि 1-1.5 घंटा की क्या है नहीं है आराम से। अब उतना एग्जाम्पल तो अभी पॉसिबल नहीं, अभी सीधा सम से डायरेक्ट, नहीं तो एक्सपोनेंशियल से लॉग कैसे बनता है, लॉग से एक्सपोनेंशियल कैसे, वो सारा चीज पहले सिखाया जाता है। लिख लिए क्या आप लोग? ओके नेक्स्ट। चले चैप्टर में आ जाते हैं। फिर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लॉग y टू द बेस x क्या इज इक्वल टू कितना 100, वैसे ही log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू कितना 10। देन पूछा क्या किसका वैल्यू है, देन वैल्यू ऑफ y पूछ रहा है क्या? ठीक है, निकालेंगे हम लोग। पहले क्या बोला, log y टू द बेस, y टू द बेस x इज इक्वल टू 100। तो और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? देखिए हाँ, ये ना लॉग का प्रॉपर्टी बोलता है, सुन रहे हैं क्या मेरा बात आप लोग? मान लेते हैं लॉग x टू द बेस 2 है ना, और इधर में 2 है या कुछ भी 3 है मान लेते हैं, तो जब भी हमको एक्सपोनेंशियल लॉग से एक्सपोनेंशियल करना होता है ना, तो लॉग गायब हो जाएगा, लेकिन ये जो बेस है ना राइट हैंड साइड में इक्वल टू में जाएगा, और ये जो वैल्यू इधर में है ना वो पावर में जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या है 8 आएगा। वैसे ही अगर मैं पूछू लॉग एक्स टू द बेस 4 इज इक्वल टू 0 है, इसका वैल्यू बताइए तो क्या आएगा? बताइए क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू 4 टू द पावर 0, राइट? और एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू x टू द पावर 100 नहीं हो जाएगा क्या? y इज इक्वल टू x टू द पावर, किसी का आवाज नहीं आ रहा है, हाँ कितना दुख में हाँ बोलना हो रहा है, आवाज ही नहीं निकल रहा मॉर्निंग में। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 क्या? ठीक है, एंड देन आपको यहां से पूछा क्या था, y का ही वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन इक्वेशन और एक इक्वेशन दिया है ना जिसमें x का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। चले निकाल लेते हैं, log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 10, राइट? ओके, log x टू द बेस 2 क्या इज इक्वल टू 100 है कि कितना है, 10 10 है ना? ओके तो इसको 10 लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बताइए जानवी क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड। अब हम अपने को क्या पता है y का वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 100 ना, अब x के जगह में वैल्यू बैठा दें 2 टू द पावर 10, और ये क्या हो जाएगा 100। पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है पावर पावर में, पावर पावर गेट्स हाँ मल्टीप्लाइड, तो पावर पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 2 टू द पावर 1000 नहीं आएगा क्या? समझ आ रहा है क्या आप लोग को? परफेक्ट।
नेक्स्ट देखें, टू नंबर देखिए, लॉग 5 टू द बेस 10, लॉग 5 टू द बेस 10 प्लस लॉग 5x, सॉरी अच्छा डिक्टेट कीजिए तो टू नंबर लॉग बेस 10 लॉग 5 टू द बेस 10 राइट, फिर log 5x plus 1 base टू द बेस 10 10 इज equal to इक्वल log base to the 10 x plus 5 एक्स प्लस 5 और कुछ ठीक और plus 1 this value of है। चलिए यहाँ पे वैसे लॉन्ग से तो निकाल लेते हम लोग, लेकिन हम लोग शॉर्ट भी करते तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, ये पावर कौन सा पावर में? वैल्यू तो में है, वैल्यू में। शॉर्टकट करते तो क्या करते पता है आपको? ऑप्शन चेक करते। क्या करते हम लोग? ऑप्शन चेक। पहले जैसे कौन सा ऑप्शन है मेरा? 5। 5 को लेके देखते हैं। अगर 5 को लेके देखते हैं तो यहाँ पे एक्स के जगह क्या जाता? 5। 5 5 जा कितना? 25। 25 प्लस 1 5x ही था ना वो? हाँ ठीक है, तो 26 हो जाता। तो 26 × 5 कितना देता आपको? क्योंकि ये प्लस में है ना, अभी हम लोग सीख क्या है कि प्लस में क्या होता है? इंटू हो जाता है। तो ये क्या 5 × 26 नहीं हो जाता क्या? दोनों का बेस तो सेम था ना, राइट? और आपको पता है ये 1 के जगह में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सेम बनाने के लिए, लॉग 10 टू द बेस 10 नहीं लिख सकते क्या? वही तो आएगा। तो यहाँ पे तो 26 × 5 कितना देता आपको? 130। और इधर में क्या हो जाता है? ये 5 + 5 कितना देता आपको? 10। और 10 × 10 कितना आता? 100। क्या सॉल्व हो रहा है? तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो पाता। तो दूसरा ऑप्शन ट्रायल कौन सा होता फिर मेरा? दूसरा 3 होता, राइट? तो 3 को अगर करके देखते, सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं, यानी कि देखिएगा 3 अगर लेते तो क्या होता है? ये 3 3 3 5 का कितना होता? 15। 15 + 1 16, तो 5 × 16 करते तो कितना देता? 80 देता। और इस साइड भी क्या करते हैं हम लोग? 3 + 5, इधर देखिए कितना होता? 3 + 5 8 होता ना, 3 + 5 8 होता। और 8 × कितना है? 8 × 10 कितना देता? 80। तो सेटिस्फाई हो रहा है क्या? तो यही मेरा आंसर होता, ऑप्शन से यही आंसर होता। आंसर कितना आता हमारा? 3 आता, राइट? नहीं समझ आया तो लॉन्ग दिखा दे इसको, समझ में आया? लॉन्ग में कुछ नहीं करते यहाँ पे, यानी कि बस 10 को रखते और ऊपर क्या कर देते? मल्टीप्लाई जाता, फिर सॉल्व करते लॉन्ग अगर करते। अभी जितना शॉर्ट सीख पाए उतना बेटर एग्जाम के लिए। क्लास में तो पूरा लॉन्ग करते हम लोग। ये क्या हो जाता लॉन्ग? इधर में दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाता ना, 5 × 5x + 1, तो 5 × 5x + 1 आ जाता, बेस में तो 10 ही। और इधर भी क्या हो जाता? 10 × 5x log 10 × 5x, सॉरी 5x नहीं, एक्स प्लस 5, 10 × x + 5। अब बेस में 10, फिर ये लॉग लॉग कट जाता, ठीक है? अल्टीमेटली क्या बचता? 5 है, 5 5 जा 25 ना, 25 क्या होता? 25x + 5 इज इक्वल टू कितना? 10x + 5। ये मत सॉल्व करने बोलेगा मेरे को। हाँ 15 था क्या? 5 0 15 ना। हाँ ये खुद से नहीं सॉल्व कर लीजिएगा, ये बच्चे वाला काम मत बोलिएगा। हाँ ठीक है, ये शॉर्टकट था ऊपर वाला। ये आ ही जाता
आराम से आ जाता है, क्योंकि दिख रहा 15x इज इक्वल टू 45, तो x का वैल्यू 3। चलिए नेक्स्ट सब में जाते हैं हम लोग। लेट हाँ मेट्रो मेट्रो यूज किया कीजिए। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा आइए थ्री नंबर देखते हैं हम लोग। आइए थ्री नंबर देखिए क्या बोल रहा है। दे दिया, पूछ रहा कौन सा ट्रू है, राइट। तो दिया क्या है, 1/AB फिर प्लस 1/BC फिर इक्वल टू 1/AB C। सॉल्व कर पाएंगे इसको, करके बताए तो क्या आएगा, ABC आ जाएगा क्या, मिसिंग क्या है यहाँ पे, सी यहाँ पे मिसिंग क्या है, ए यहाँ पे क्या मिसिंग है, बी इज इक्वल टू कितना 1/ABC, ABC कट जाएगा तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, क्या है क्या ऑप्शन में, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ओहो अच्छा चले चले समझ गए, मतलब अब अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ है। दोनों साइड लॉग ले लीजिए तो क्या आएगा, लॉग ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, लॉग 1 नहीं हो जाएगा क्या। अब हमको समझ नहीं आ रहा राइट हैंड साइड में जीरो कैसे बनाए, बोलिए क्या करना होगा, राइट हैंड में जीरो कैसे बनाए। बाबा सब बर्बाद, क्या पढ़ाए थे हम, लॉग 1 तो हमेशा जीरो ही होता है, क्यों बनाना पड़ेगा इसको, इस क्या हालत है। बहुत जल्दी आ गए सोना, कोई बात नहीं। डन किया, ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी डी ना, परफेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखिएगा, फोर्थ हो जाएगा कि दिखाते हैं, हो जाएगा ना, ट्राई कर लीजिएगा खुद से या दिखा दूं। अच्छा चलिए दिखा दे, फोर नंबर में क्या बोला है, वैसे एक तो ऑप्शन चेक है, एक लॉन्ग कट है, लॉग टू बेस में कितना रूट एक्स है और इसका क्या करने बोला गया है, इसका स्क्वायर, राइट हैंड साइड में लॉग बेस एक्स, लॉग बेस एक्स टू द वैल्यू 2, ये है ना, ठीक है। अगर इसको ऐसे निकाला जाता, अगर लॉन्ग ही करते आप तो ये क्या करते हैं, एक्स का क्या करते हैं, हाफ कर देते, राइट, और हाफ सामने जाता क्या, परफेक्ट इज इक्वल, हाँ हाँ ऐसे ना, मतलब ये हाफ सामने आ जाता, हाँ
तो हाफ सामने जाता तो क्या आता हाफ सामने आके, बोलिए हाफ। ओए हाफ ही तो है तो टू नहीं हो जाता, उल्टा उल्टा आता तो टू, और ये क्या हो जाता लॉग टू टू द बेस एक्स का पावर में स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, टू टू द बेस एक्स। उसके बाद क्या कर पाते हम लोग इसको, फोर और फोर तो करते फोर एंड को सामने लेके जाते और फिर से मैच होती जो तो पावर थी सकते कर सकते थे वैसे भी। तो यहाँ पे जैसे कि दोनों, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये दोनों जैसे कि यहाँ पे इक्वल वाला चीज है। तो अगर अगर यहाँ पे मान लेते कि इसको लेके आते हैं टू टू द बेस एक्स का स्क्वायर बोल रहा है क्या ऑलरेडी, ये सामने अगर आता तो कैसे जाता, इसके पावर में अगर भेजते हैं तो कैसे जाता, टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर क्या देता है ये, फोर देता। इसका भी तो अपने को क्या करना है, स्क्वायर वैल्यू है, टू टू द बेस एक्स, ठीक है। तो अगर अगर यहां पे देखें, यहां पे क्या दिया हुआ है, लॉग फोर टू द बेस एक्स इज इक्वल टू, लॉग ये जो पावर में टू है इस साइड अगर 1/2 हो जाता है उसका इधर आता है तो कौन सा पावर में बोल रहे हैं, ये वाला नहीं इधर वाला, ये पावर में थोड़ी है, तो वैल्यू में बोलती ये होल स्क्वायर, होल ये स्क्वायर साइड हाँ, इसके साइड में लाके 1/2 लाना चाह रहे हैं ना, हाँ वो कर सकते हैं। फिर होल में पूरा जाता है ये, होल में कितना जाता है ये 1/2 करके, और यहां पे अगर बनाना चाहे तो क्या आएगा, ये पूरा का तो नहीं जाएगा, ये कैसे आ रहा है हमारा, लॉग टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर मतलब फिर से वही वाला कहानी कर रहा है, टू का स्क्वायर करेंगे तो फिर ऐसे ही रहेगा ये। तो अल्टीमेटली ये दोनों इक्वल है राइट, ये दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू लॉग टू टू द बेस एक्स, टू टू द बेस एक्स, और इसका अगर पावर में है तो ये पावर में ही तो रहेगा। अगर ये सामने पावर में जाता भी है तो फुल वैल्यू में जाता है ना, अगर फुल वैल्यू में जाएगा तो ये पूरा चीज का स्क्वायर करेंगे हम लोग लॉग का वैल्यू का। तो अगर ऑप्शन से देखें यहाँ पे, अगर 16 होता जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे क्या रहता 16 होता, तो 16 का रूट क्या देता आपको, 16 का रूट कितना आता फोर, और ये क्या होता टू, और इसका क्या करना था स्क्वायर, ठीक है। अब मान लेते ये क्या है टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर तो ये क्या हो जाता लॉग टू टू द बेस टू रहता, हाँ, और यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो सामने में हाफ ले सकते थे, सामने में हाफ आ जाता, और इसका क्या करना है स्क्वायर, लॉग टू टू द बेस टू क्या देता आपको, वन वन देता, और हाफ का स्क्वायर कितना आता 1/4, हाफ का स्क्वायर ही तो करते 1/4 आता, वैसे ही राइट हैंड साइड में क्या हो जाता फिर ये लॉग, हम लोग कितना वैल्यू पकड़ रहे हैं इसका, लॉग हाँ टू और 16 है ना, 16 मतलब टू का वैल्यू फोर, और फोर सामने आएगा तो 1/4 करके आएगा राइट, तो 1/4 ही आता, तो दोनों साइड में 1/4 आता क्या, ये लॉग टू दे देता टू बेस टू, तो ये तो 1 ही हो जाता, तो दोनों साइड में 1 किस में आ रहा था आपका,
वन बाय फोर, 16 में आ रहा था, तो ऑप्शन तो 16 ही आता। अगर लॉन्ग कट करते तो थोड़ा सा लॉन्ग जाना होता अपने को। हाँ, ऑप्शन चेक से तो आ ही जाएगा फटाक से, नहीं तो फिर इसको एक्सक्लूड करना है, हटाना है। ठीक है, नेक्स्ट फाइव नंबर देख रहे क्या? फाइव फाइव अभी दिखाए थे आप लोग को क्या, ये कैसे हम लोग यहाँ पे कट सकते हैं, ये वैल्यूज वगैरह क्या दिया हुआ है वैल्यूज फाइव में? लॉग बोले क्या क्या है? लॉग एक्स वाई देन लॉग वाई जेड एक्स लॉग जेड एक्स क्या पावर में क्यूब, ये कट जाएगा क्या ये सब चीज? तो क्या बचेगा अल्टीमेटली? लॉग एक्स टू द बेस एक्स मतलब वन, और उसका क्यूब, तो वन का क्यूब क्या देगा आपको? वन। ठीक है, डन क्या? ओके नेक्स्ट। कुछ नहीं, यहाँ पे काटा कुटी कर दिया निकेत, सब कट जाएगा, जो क्रॉस में रहेगा कट जाएगा, बचा क्या? लॉग एक्स बाय एक्स मतलब एक्स टू द बेस एक्स, तो वन होता है उसका वैल्यू, वन का क्यूब। डन। ओके वन टू थ्री हाँ, नेक्स्ट देखे क्या है? सेवन नंबर देखे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy पूछा बोला है, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy, यही दिया है ना? दोनों साइड 2xy जोड़ दे। हाँ हाँ सिक्स था क्या ये? अच्छा सिक्स नहीं किया क्या? अच्छा कल टिक लगा दिया, ठीक है। अच्छा सेवन कर लेते हैं, फिर सिक्स कर लेंगे। सेवन लिख लीजिए, दोनों साइड 2xy जोड़ रहे हैं हमको, वो क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा? 7xy प्लस 2xy। ऑप्शन देखिए हाँ, वो तो है, और ये कैसे आ जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इस साइड क्या आ जाएगा आपका? 9xy। कोई दिक्कत अभी तक? और अगर ये वाला 9 को इस साइड भेजना चाहे तो क्या आ जाएगा? ये ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। नहीं समझे, ये 9 हाँ आता इस साइड तो डिवाइड में ही आता ना, तो डिवाइड में हम लोग 3 का स्क्वायर लिखे मतलब 9। कोई दिक्कत अभी तक? एक्स वाई, अब टेकिंग लॉग बोथ साइड नहीं आ जाएगा? तो बोथ साइड अगर लॉग लेते हैं तो क्या आएगा?
log x plus y का स्क्वायर, और इधर log x plus y ना, सॉरी हाँ 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 x y है log, जो कि क्या बन जाएगा log x plus log y ना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हम लोग का ये टू को सामने ले आए। log माइनस थ्री तो थ्री, अच्छा टू को सामने है, ला तो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बेस में तो यही है तो टू सामने आएगा, लेकिन देखें कि प्रूफ में कैसा कुछ दिया है ये। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ही निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए ये अगर ऐसे ही रखे हम लोग, ये वाला चीज अगर हम लोग इस साइड लेके आते, मतलब अब यहाँ पे अगर आएगा ये चीज तो कितना टू आएगा, क्या लॉग के वैल्यू में है ना, सामने आएगा तो क्या आएगा टू आएगा, टू लॉग कितना, टू लॉग एक्स प्लस वाई बाय थ्री का थ्री, और बेस में तो इसका कुछ भी हो, इज इक्वल टू कितना लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और ये वन बाय इधर इधर सॉरी टू आएगा ना, नॉट वन बाय टू, पावर में है ना, तो कैसे आएगा ये पावर का चीज, टू सामने आएगा। बेस के अगर पावर होता तो हाँ 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 बेस के पावर में होता तो पलट के आता, तो ये टू को अगर उस साइड भेजेंगे, इधर मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा राइट, तो क्या आएगा लॉग एक्स प्लस वाई, और इधर कितना वन बाय टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई राइट। वैल्यू मिल गया क्या अभी तक हम लोग को, यही वाला पूछा था ना लॉग एक्स प्लस वाई बाय थ्री का वैल्यू, तो आ गया आंसर। डन क्या, ओके नेक्स्ट देखिए ये एट नंबर, एट नंबर हाँ ओ सिक्स नहीं किए, वैसे सिक्स से दुश्मनी नहीं है ठीक है, सिक्स नंबर सिक्स में बोलिए तो डिक्टेट कीजिए कोई। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 हाँ हाँ टू लॉग टू टू द बेस थ्री, ओके तो ये क्या बन जाएगा लॉग थ्री का स्क्वायर टू का स्क्वायर इनटू लॉग टू, हाँ फिर ये सामने आ जाएगा क्या ये सब चीज, ये सामने आएगा तो कैसे आएगा टू करके आएगा, और बेस वाला चीज सामने आएगा तो वन बाई टू करके आएगा राइट, और लॉग थ्री टू द बेस टू एन टू लॉग टू टू द बेस थ्री, ये टू टू भी कट जा रहा है इधर भी कट जा रहा है, अल्टीमेटली क्या बच रहा है लॉग थ्री टू द बेस थ्री, दैट मीन्स वॉट वन, कोई दिक्कत ठीक है। हाँ हाँ डन, अच्छा ओके नेक्स्ट देखते हैं नाइन नंबर, ओ एट बाकी है ठीक है, टिक हो जाता है ना लगता हो गया, चलिए एट नंबर, एट में क्या बोला है फिर
x y z plus 1 is equal to, right? x y z plus 1, तो x का वैल्यू क्या है, log 12 टू द बेस 24, हाँ log 24 टू द बेस 36 एंड log, हाँ बोलिए z का, log 26 बेस 48 प्लस 1 ना। चलिए यहाँ से कुछ काटा कुटी जा रहा है क्या, काटा कुटी क्या क्या हो रहा है, ए तो प्लस वन है ना इधर, जानवी इधर दिखा प्लस वन है तो प्लस वन लास्ट में राइट, और ये एक्स वाई जेड का वैल्यू रिप्लेस किए हम लोग, ये तीनों कट जाएगा तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, लॉग 12 टू द बेस 48 राइट, और ये 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बातचीत नहीं एकदम, 1 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एज इट इज लिख सकते हैं क्या, हमेशा इसको देख के ये वाला चीज लिखा लिखाया जाता है, अगर 1 बनाना है तो वैल्यू और बेस में सेम कर सकते हैं क्या हम लोग, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, लॉग 12 इंटू 48 टू द बेस कितना 48, तो कितना बन रहा है ये मल्टीप्लाई करके 576, देखें टू द बेस 48, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, बस यही वाला चीज अब देखना है, आंसर तो यही आएगा, देखना है कि ऑप्शन ये दिया है कि नहीं, अच्छा ठीक है ऑप्शन में भी अल्फाबेट दे दिया, फिर आपको चेक करना पड़ेगा, चेक करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, पहले क्या बोला है एक्स वाई का, एक्स वाई को अगर देखते हैं, एक्स वाई को देखिए तो वहां से क्या क्या कटेगा, एक्स वाई से 24 कट जाएगा, बेस में क्या बचेगा 36, लेकिन हमको 36 चाहिए बेस में, कैसे कट गया, ठीक है अगर एक्स वाई का अगर बात करें, एक्स वाई एक्स इंटू वाई अगर करेंगे पहला ऑप्शन देख के, तो एक्स इंटू वाई करेंगे तो क्या कटेगा 24 ना, तो बचेगा क्या 12 और 36, लेकिन हमको बेस में 36 चाहिए क्या, बेस में 48 चाहिए ना मेरे को, अरे बेस में 48 चाहिए ना, तो वो वाला ऑप्शन नहीं ले पाएंगे ना हम लोग, पहला ऑप्शन ट्राई नहीं कर पाएंगे, दूसरा देखते हैं जेड में, जेड में जेड और एक्स है क्या, तो अगर मान लेते हैं जेड और एक्स देखेंगे कटेगा ही नहीं कुछ, तो जेड एक्स नहीं ले सकते, सी को देखते हैं, ये ट्राई कर सकते हैं हम लोग, वाई जेड को ट्राई कीजिए, 2 इंटू वाई जेड ना, वाई का वैल्यू क्या था बताइए, लॉग 36 इंटू लॉग 36 48 राइट, ये कट गया, अल्टीमेटली क्या आ गया 24 बेस 48, और फिर सामने जो है उसको पावर में भेज सकते हैं क्या, तो ये क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर बेस 48, 24 का स्क्वायर 576 ही आता है, हो गया, तो यही आंसर है राइट, तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2YZ राइट, ऑप्शन सी, हाँ
डन क्या? नेक्स्ट देखें, ये लिख लिए नीचे का। ओके नाइन नंबर करना है क्या? नाइन देखे क्या बोल रहा है। लॉग एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, लॉग वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो देन पूछा कि इसका वैल्यू है। ए लॉग लगा हुआ है कि नहीं इसमें? टेन एक्स टेन एक्स बाय वाई स्क्वायर, टेन एक्स बाय वाई स्क्वायर, ठीक है टेन एक्स बाय वाई स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग। लॉग लॉग दिया होना चाहिए था, देख ले एक बार ऑप्शन में कुछ लॉग ऑफ का। कितना नंबर सम है वैसे? नाइन। नाइन नंबर हाँ वहाँ लॉग है, 100% लॉग है, लॉग होगा यहाँ पे, लिख लीजिए लॉग टेन एक्स, क्योंकि बिना लॉग का होगा ही नहीं है, टेन एक्स बाय वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है तो देखते हैं टेन एक्स बाय वाई स्क्वायर का। लॉग टेन एक्स बाय कितना? वाई स्क्वायर राइट, लॉग टेन एक्स बाय वाई स्क्वायर, तो ये कैसे आएगा? टेन एक्स दिया हुआ है लॉग का, अल्टीमेटली आप मेरे को ये बताइए ये ऐसे लिख सकते हैं क्या? डिवाइड में है ना? हाँ लॉग लॉग होना चाहिए क्वेश्चन में, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये प्लस में नहीं, अगर डिवाइड में रहता है तो माइनस में आता है क्या? परफेक्ट परफेक्ट एकदम सही बोल रहे हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा? लॉग वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब मेरे को बताइए जो मल्टीप्लाई में इसको अलग अलग कर सकते हैं क्या इसको भी, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग टेन प्लस लॉग, वेरी गुड, और ये टू सामने आ सकता है क्या? टू लॉग वाई, नहीं समझे क्या आप लोग? वेरी गुड, माइनस टेन राइट, माइनस टू लॉग वाई। अब लॉग टेन का वैल्यू क्या होता है? वन। लॉग एक्स का वैल्यू देखे किताब में दिया हुआ है आपको, बुक में दिया है क्या? ए प्लस बी। अब वैसे ही टू इंटू लॉग वाई का वैल्यू बताइए, ए माइनस बी क्या? अब इसको सॉल्व कर पाएंगे हम लोग? माइनस टू ए प्लस कितना? टू बी राइट, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? वन, और यहां से अगर ऐड होगा तो वन प्लस कितना? थ्री बी, देन माइनस ए आ रहा है क्या? है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में क्या हम लोग लिखे गलत है? यही है ना, वन माइनस ए प्लस थ्री बी, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए क्या? टिक लगा लीजिए।
डन यहां तक, परफेक्ट। नेक्स्ट थैंक यू सर जी। 10 नंबर देखे, 10 हम नहीं करने जा रहे ऐसा, ये खुद से कर लीजिएगा सेम, ये अलग थोड़ा अलग है, ठीक है कर दे रहे हैं। 10 नंबर, 10 क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग क्यू आर टू द बेस पी, देन वाई इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग आर पी टू द बेस क्यू, एंड जेड इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग पी क्यू टू द बेस आर, राइट। ठीक है, पहले एक्स का बताइए, एक्स का क्या दिया हुआ है लॉग, 1 प्लस लॉग क्यू आर टू द बेस पी, यहाँ पे कुछ बोलिए अच्छा लगेगा, लास्ट सम में ऐसा कुछ किया हम लोग, 1 के जगह में क्या लिख सकते हैं, लॉग पी टू द बेस क्यू, पक्का बेस में पी ना, हाँ वेरी गुड, अब सही है, ये कर सकते हैं और यही करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा क्यू आर पी, तो अल्टीमेटली प्लस में क्या होता है, मल्टीप्लाई नहीं हो जाता क्या, अगर प्लस रहने से जानवी क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ओ सॉरी हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मेरा मिस्टेक है, हम ध्यान नहीं दिए वो, ठीक है, तो ये पी टू द बेस पी राइट, कोई दिक्कत, और पी क्यू आर आ जाएगा क्या फिर, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा सब, अब बेस में कितना इतना, वैसे y और z का भी निकाल लीजिएगा, yes. y का सिमिलरली क्या आ जाएगा, खाली देख के डायरेक्ट लिख दें क्या, ऐसे ही तो आएगा y का भी, क्या आएगा y का, q आ जाता तो पी क्यू आर ही आता, बेस में q, पी क्यू आर ही आता, बेस में क्या आता q, और वैसे ही z का क्या आ जाता, z इज इक्वल टू log पी क्यू आर ही आता लेकिन बेस में आर ना, कोई दिक्कत जानवी, कोई प्रॉब्लम इधर, अनिकेत क्लियर है, मतलब ऐसे ही होता, आप लोग को लॉन्ग अगर करना है तो ऐसे करके निकालना है फिर, ठीक है, ऐसे जो स्टेप नहीं दिखाए क्या सारा वाला में, तब ऐसे ही निकालना है वाई में भी और जेड में भी, ठीक है ना, नहीं नहीं बदमाशी नहीं आ रही है, नहीं बात नहीं करना, बात नहीं करना एकदम, हाँ बात तो कर रहे थे अनिकेत, ठीक है बहुत ज्यादा कर रहे थे, आई है 1/x + 1/y, नहीं नहीं अभी एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते ये सब दुख दर्द, एग्जाम सामने है, ठीक है चलिए 1/x + 1/y + 1/z, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/y क्या हो जाएगा, x का वैल्यू बताइए रे बाबा, x का वैल्यू क्या था, पी क्यू आर बेस पी, वैसे ये क्या हो जाएगा 1/y log पी क्यू आर बेस, ओए क्यू है कोई बात नहीं, 1/y log पी क्यू आर बेस में आर ना, और याद है मतलब एकदम स्टार्टिंग में ही क्लास में क्या बोले हम, ऐसा जब भी रहता है तो इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या बन जाएगा, वेरी गुड पी क्यू आर, ओके परफेक्ट, तनिषा बोल दी यही होगा फिर, ठीक है पी क्यू आर, और यहाँ क्या आ जाएगा लॉग आर, और ये क्या हो जाएगा पी क्यू आर, देन अल्टीमेटली यहाँ क्या, फिर प्लस प्लस में क्या होता है, मल्टीप्लाई नहीं हो जाता है क्या, तो पी क्यू आर आ जाएगा ऊपर, और नीचे भी क्या पी क्यू आर, तो सेम आ गया, तो वैल्यू 1 हो जाएगा क्या इसका,
कोई परेशानी इसमें नहीं ना, परफेक्ट। नीचे ओके खत्म करना है, जल्दी जल्दी करना है आप लोग को नोट। हाँ इसके बाद इक्वेशन इक्वेशंस वगैरह कर लेंगे हम लोग, इक्वेशंस सेट फंक्शंस रिलेशंस उसमें, और फिर कोरिलेशन रिग्रेशन वाला पार्ट उधर, इंडेक्स नंबर। हाँ पूरा पूरा पूरी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठा के रखा हुआ है, लास्ट 20 मतलब अटेम्प्ट से जितना आया है सब कुछ है इसमें, नहीं लगेगा, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं लगेगा। सच्ची मोर देन इनफ है, आप इसको पूरा अच्छे से कर लीजिए, इसके बाहर कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, कर सकते तो अच्छा बात है, हाँ हाँ कर सकते तो बहुत अच्छा बात है, वो तो प्रैक्टिस है, ट्रायल है एमटीपी, और ये फाइनल में आया हुआ सब है, तो फाइनल का क्वेश्चन है मतलब। हाँ हो जाता है जुगाड़, हाँ ऐसा भी चाहिए आप लोग को कि पूरा कौन सा ईयर में कब कब कौन क्वेश्चन आया, तो वो भी दे देंगे आप लोग को इसका, कि वही क्वेश्चन है लाइन से सजाया हुआ है, लेकिन बगल में लिखे नहीं है ना कि ये 2019 में आया, ये 2020 में आया, 2018 में आया, तो वो चीज बोलेगा तो हम ग्रुप में दे देंगे आप लोग को। हाँ 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 वही तो हम बोले पूरा डिट्टो, वैसे कोई स्कैनर वगैरह रखे होंगे तो आपको दिखता होगा कि सेम मेरा जो क्वेश्चन। अच्छा 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 तो डिट्टो होगा क्योंकि ये सब कुछ उठाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, जब बार बार देखते हैं ये वाला मत पूछेगा मेरे से, अब खुद से होमवर्क कीजिएगा, अभी तो जस्ट किए थे 10x/y2। ठीक है ये भी मत पूछिएगा, ठीक है ये भी मत पूछिएगा, चलेगा तो ये पूछिएगा इसको। हाँ ठीक है, नहीं समझे, सिर्फ इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, और तो हमको नहीं लग रहा कोई चेंज होगा, कर दो क्या चेंज ले जाए, सर एक मिनट भी तो नहीं लगेगा। क्या था फटाफट बोलिए तो, लॉग लॉग फाइव, हाँ हाँ इनटू लॉग फोर बेस फाइव, हाँ इनटू लॉग थ्री बेस फाइव, इनटू लॉग थ्री, हाँ 12 बजे टेक्स्ट कर दीजिए। हाँ 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 ठीक है, 11:45 तक आए। आइए ये लिख लिए क्या सब कुछ हम लोग, अब क्या करते हैं यहाँ पे, लॉग 5 to the base 2 इंटू ये क्या हो जाता है लॉग 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है इंटू लॉग 3 to the base 2 क्या, कौन सा, ओ हाँ ये तो 3 होगा क्या, हम चलिए ये 2 को सामने ले आए क्या, चलिए बहुत सामने ले आए राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक, और कुछ हो रहा था क्या किसी में, पावर में था क्या, ओ करेक्ट करेक्ट, तो फिर 2 जाएगा, पावर में था तो फिर तो 2 ही जाना है, 2 आया और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, देखिए ये 3 3 कैंसिल हो रहा है क्या, ऐसे कैंसिल करते नहीं है वैसे, कट ही जाता है मतलब, बोलने का मतलब लॉग 5 to the base 5, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 2 आया क्या आंसर,
है ऑप्शन में, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट ये 13 नंबर देखिए, हो जाएगा कि करना होगा, वैसे ही तो है, डिवाइड में मारना है आपको, करते हैं। हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं रहे बाबा। लॉग माइनस में है ना, तो डिवाइड में आएगा क्या, क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, राइट, इज इक्वल टू कितना दिया उस साइड में, 2 ना, और इसके बेस में कितना है, 4, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे एक्स प्लस वन आ गया, और यहाँ भी क्या है, एक्स प्लस वन, और ये बेस में क्या, 4, ये एक्स प्लस वन कट जाएगा क्या, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, एक्स टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, परफेक्ट परफेक्ट, लॉग नहीं लिखेंगे अब, एक्स का वैल्यू एक्सपोनेंशियल में आ गया, अब 4 का स्क्वायर मतलब 16, कोई दिक्कत, हाँ ऐसे सम देख के घबरा जाते हैं बच्चे, लेकिन है नहीं टफ, टफ लगा क्या ऐसा कुछ, देखिए तनिषा 20 से पार हो गई होगी, नहीं 19, ठीक है। नेक्स्ट फोर्टीन नंबर कर लीजिएगा, उल्टा ही तो करना है, सुन रहे क्या, इधर ध्यान दीजिए, उल्टा करना है ना इसको, ओए सबके बेस में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और नंबर क्या है, 3 × 4 × 5, 3 × सुन नहीं रहे आप लोग, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 4 × 5 कितना देगा आपको, 60 देगा क्या, बेस में भी 60 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा क्या, ये उल्टा होगा तो वही जाएगा ना, लॉग 3/3 to the base 60, वैसे ही log 4 to the base 60, और सब ऐड में, ऐड में क्या होता है, log मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सोनम, की हो जाएगा, फिर 15 नंबर देखे, ये तो ओरली हो जाएगा, बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट होता है ना, जो इंटेजर्स होता है ना, नंबर होता है, मान लेते हैं लिख दिए लॉग, सुन रहे हैं क्या, कुछ भी लिख दिए 1.23456, ये वाला इंटीग्रल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और ये डेसिमल पार्ट को क्या बोलते हैं, मेंटिसा कहलाता है, क्या कहलाता है, मेंटिसा, और जो इंटीग्रल नंबर होता है ना पार्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉग का जो भी वैल्यू निकलता है ना, इंटीग्रल नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल पार्ट को क्या बोलते हैं, मेंटिसा, इसको डिटेल में क्लास में बताए थे आप लोग को कि कैसे आता है, इसके ऊपर कितना सारा सम्स किए थे हम लोग, याद है 8 एग्जाम्पल किए थे, वो मेंटिसा वो सब लेके समझाए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, जब भी लॉग का वैल्यू पूछ दे ना, तो आपके लिए लॉटरी लग गया समझिए, मतलब इजी है, शॉर्टकट से निकाल लेंगे हम लोग, लॉग 24 का वैल्यू पूछा ना, किसी भी लॉग का वैल्यू पूछ दे, आसान है निकालना, 16 नंबर लॉग 24, आपको करना क्या है, बस कैलकुलेटर यूज करना है, पहला स्टेप क्या करना है, 24 लिखना है, और रूट
19 टाइम्स करना है, रूट कितने बार 19 टाइम्स। दूसरा स्टेप इनटू 227695, फिर थर्ड स्टेप माइनस 227695 करके देखिए आंसर आएगा। इनटू 227695 माइनस 227695 कितना 1.380 टू। ठीक है, ऐसा कुछ आंसर दिख रहा है तो टिक्की लगा दीजिए। ठीक है, ये वाला आंसर होगा सी वाला पॉइंट। दिख रहा है क्या जानवी, आया आपसे नहीं आया? हाँ, 24 को रूट दबाना है और 19 बार रूट दबाना है, फिर इनटू 227695, फिर माइनस 227695। कोई भी लॉग का वैल्यू पूछ दे, हम लोग निकाल लेंगे ऐसे। हाँ, 1.3801 वही आंसर है। कोई भी लॉग 30 लॉग 70 कुछ भी पूछ दे, तरीका यही है। अदरवाइज अगर बिलीव ना हो, सुनिए ना बातचीत नहीं, अगर बिलीव ना हो ना तो लॉग 2 का वैल्यू निकाल के देखिए। लॉग 2 का वो कितना बोला है, लॉग 2 का वैल्यू सब कोई सुन रहे हैं क्या, वो कितना बोला है 0.3010 ना। 2 का 19 टाइम्स रूट कीजिए, 2 का 19 टाइम्स रूट कीजिए, और 2 का 19 टाइम्स रूट करने के बाद इनटू 227695, फिर माइनस 227695 कीजिए, 0.3010 ही देगा भाई, कोई भी वैल्यू दे देगा आप। ये वाला जो ट्रिक है, इससे आप कोई भी लॉग का वैल्यू निकाल लीजिएगा, मास्टर ट्रिक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? ओके, नेक्स्ट चलिए 17 नंबर। सेवनटीन में देखे क्या बोला गया है, लॉग 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। हाँ, एन का क्यूब, क्या किसी का वैल्यू पूछा है क्या, निकाल पाएंगे क्या हम लोग? वेरी गुड। अच्छा, इसका कुछ फॉर्मूला सिखाया था आप लोग को, सम ऑफ द क्यूब्स का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, क्या था फॉर्मूला, क्या था? एग्जाम सामने है भाई, एग्जाम 1 मंथ लगभग रहा है, क्या था फॉर्मूला, सब बेकार। क्या सिखाए, सब भूल के बैठे हैं, राइट? यही होता था n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, सब याद कराए थे क्लास में, वो भी समझा के। ठीक है, तो ये सामने सामने आ जाएगा क्या इसका वैल्यू? Yes. इसको सामने 2 भेज रहे हैं, 2 सामने आ गया, अंदर लॉग में क्या बच रहा है, लॉग एन टू एन प्लस 1 बाई 2, क्या कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? अब मेरे को बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं, जो मल्टीप्लाई में उसको कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है उसको क्या लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं क्या हम लोग? जानवी, जो मल्टीप्लाई में वो प्लस में लिखा जा सकता है, और जो डिवाइड में उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ये चीज को? वेरी गुड। और फिर क्या कर देंगे, अंदर भेजने बोला है क्या, ऑप्शन में कुछ क्या है, ये लोग अंदर भेजे, अंदर भेजे तो अपने को भी अंदर भेज देना चाहिए, मतलब
आइए अगर ये अंदर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 log n प्लस 2 log n प्लस 1 माइनस 2 log 2। ऑप्शन देखे तो कोई है, ए है क्या, तो टिक्की लगा दीजिए। अच्छे से ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए ना, इसके बाहर आपको नहीं दिखेगा कुछ। डन, परफेक्ट। नेक्स्ट, एटीन नंबर। एटीन क्या बोले हैं? लॉ बताए क्या लिखा है, बेस थ्री हाँ, फिर सेकेंड ब्रैकेट क्या, थर्ड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, फिर लॉग बेस, ये पहले लॉग थ्री था क्या बेस में, फिर लॉग बेस फोर, फिर सेकेंड ब्रैकेट, फिर सेकेंड ब्रैकेट नहीं, फर्स्ट ब्रैकेट log x पावर, पावर में टू, बेस में, ओके हाँ, इज इक्वल टू कुछ है क्या, नहीं ना, जीरो क्या। चलिए इसको अगर सॉल्व करते हैं, ऐसा चीज को कैसे सॉल्व कीजिएगा पता है, लेफ्ट हैंड साइड से जाइएगा, जब भी इक्वल टू कर रहेगा ना तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिएगा। तो पहले ये लॉग उड़ाएंगे, ये लॉग उड़ाएंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री टू द पावर जीरो, कोई दिक्कत जानवी, नहीं ना, थ्री टू द पावर जीरो। आर्यन देख रहे हैं कि फोन पे देख रहे हैं, हाँ वो बाद में चैटिंग हो जाएगा, ठीक है, अभी इधर एग्जाम बाद मना लीजिएगा, ठीक है, अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो ये वन आ जाएगा क्या, फिर क्या लिखेंगे, और फिर ये फोर को उड़ाएंगे क्या, सुन नहीं रहे आप लोग, सुन रहे क्या, ठीक है, तो फोर को उड़ाएंगे तो फोर इधर जाएगा, इधर में जो वन था वो कहाँ जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो क्या आ रहा है, फोर आ रहा है इधर। अब मेरे को x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, वेरी गुड वेरी गुड, 2 का पावर 4, तो 16 आ गया क्या, ग्रेट, इजी नहीं था ये, हाँ हो गया क्या, ओके आई नेक्स्ट, लिख रहे कि नहीं आ रहे हैं, लिख रहे ना, लास्ट का दो लाइन क्या, अच्छा ठीक है, ओए 19 खुद से कर लीजिएगा, अभी तो बनाए थे ये वाला सब, ठीक है हो जाएगा ना, अभी बनाए थे ना ये, हो जाएगा ना ये चीज, ये करना है मेरे को।
पक्का तो चले चलेंगे चले। 19 में देखिए फटाफट क्या था, लॉग एक्स माइनस वाई, डिक्टेट कीजिए तो फटाफट लॉग, हाँ बाई टू, हाँ इक्वल टू 1/2 क्या? ये यही ना, और कुछ था क्या? तो हाँ वो तो पूछने वाला बात बाद में देख लेंगे। इसको कैसे लिख सकते थे हम लोग, एज इट इज? राइट। और यहाँ पे क्या आ जाता, इसको ऐसे लिख सकते थे क्या, 1/2, और ये लॉग एक्स वाई नहीं लिख सकते क्या, एक्स इंटू वाई? सुन रहे हैं क्या मेरा बात सब कोई? वेरी गुड। और मेरे को बताइए, ये जो ये सामने है, इसको हम पावर में भेज सकते हैं क्या? पावर में भेजते तो क्या आता ये? इज इक्वल टू क्या हो जाता, लॉग एक्स वाई का रूट नहीं बोल सकते क्या? पावर में हाफ है मतलब क्या है, रूट है। पावर में हाफ है मतलब रूट है। लॉग लॉग कट जाता, लॉग लॉग कट जाता, तो अल्टीमेटली अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते तो अपने को क्या मिलता, x² - 2xy +y² ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, और इधर क्या आ जाता, 2 का स्क्वायर कितना, 4। अनिकेत समझ रहे, ये पूरा चीज का स्क्वायर किए थे, x माइनस वाई का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x माइनस वाई का स्क्वायर किसमें ब्रेक हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये x² - 2xy +y² इज इक्वल टू कितना, 4xy। ये -2xy उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2xy। तो x² + y² का वैल्यू क्या आना चाहिए, 6xy आएगा क्या? इसी का वैल्यू पूछा था ना, x² + y² ऑप्शन देखिए है ऑप्शन में, ठीक ठीक है उतार लिए क्या ये? हाँ हो गया क्या? ठीक है ठीक है। फिर ये देखे नेक्स्ट, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे टी होना चाहिए, टी वहां टी कर लीजिए, 1 लिख दिया गलती से, तो क्या दिया हुआ है 20 नंबर में, क्वेश्चन डिक्टेट कर पाइएगा? ए टू द पावर ना, ए के पावर में लॉग, हाँ 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 सी बेस बी, फिर हाँ हाँ टी बेस डी। ठीक है देखिए क्या क्या कट जाएगा यहाँ से, हाँ तो बचेगा क्या, हाँ लॉग ए ऊपर आएगा, टी टू द बेस ए ना, ऐसा वाला में अभी हम लोग फॉर्मूला में देखे थे क्या, जानवी याद है फॉर्मूला में दिखाए थे कि ये नीचे वाला ऊपर इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में जगह, टी और ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी नीचे आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, लॉग ए टू द बेस ए, तो अल्टीमेटली टी का पावर क्या, 1, तो टी का पावर 1 क्या देगा वैल्यू, टी है क्या ऑप्शन में? वेरी गुड।
Done. Next. ट्वेंटी वन नंबर खुद से ट्राई करीजिएगा एक बार आप लोग, या मेरे को दिखाना है एक बार, चेक करा देते हैं। इक्कीस नंबर में क्या लिखा है? लॉग एक्स ब्रैकेट स्टार्ट अच्छा रूट ये ही दिया ना रूट क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट को उसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू का पावर वन बाय थ्री, कैसे लिख सकते हैं टू का पावर वन बाय थ्री इज इक्वल टू 1 बाय 15, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? पावर इधर लिखा नहीं, 1 बाय 3 लॉग। हाँ तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि 2 1 बाय 3, 2 का पावर 1 बाय 3 इज इक्वल टू कितना? x का पावर 1 बाय 15, यही तो है। yes. 2 का पावर 1 बाय 3 जो देगा ना वही वैल्यू आपका क्या देगा? x का पावर 1 बाय 15, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां से वैल्यू किसका पूछा आपसे? एक्स का वैल्यू पूछा है, तो एक्स का वैल्यू अगर निकाला है यहां पे, अब मेरे को बताइए यहां पे मेरे को एक्स का वैल्यू निकालना है। सुन रहे हैं ना सब कोई? अच्छे से सुन रहे हैं? इसका इसका पावर को इधर का पावर को इस साइड भेजना है, तो वो क्या होगा? उल्टा होके नहीं जाएगा क्या? उल्टा होके जाएगा तो ये ऐसे 15 आ जाएगा क्या? और ये इधर क्या आएगा x? तो ये 3 5 का कितने बार 15, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 32, 2 का पावर 5 तो इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू कितना निकल के आया? देयरफॉर x इज इक्वल टू 32। कोई परेशानी अभी तक? वेरी गुड, अच्छा ओके। कितने बजे से है नेक्स्ट आप लोग का अकाउंट? कितने बजे से? 12 है। ओके 12 है ना, टाइम है, सेस करके ही निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। आराम से। हाँ, 1/64 टू द बेस 4 सम नंबर लॉग 1/64 टू द बेस 4, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/64 को 4 का क्यूब नहीं लिख सकते क्या? और जब भी इंडिसेस क्या सिखाता है, ऐसा कुछ रहेगा अगर उसको ऊपर भेजते हैं तो क्या होगा? ऊपर भेजते हैं तो वो क्या होगा? माइनस में नहीं जाएगा क्या पावर? ऊपर भेज सकते हैं ना? नहीं समझ रहे आप लोग, 1/a³ है, इसको कैसे लिख सकते हैं? a का पावर माइनस 3, सेम चीज यहाँ पे कर सकते हैं ना, वही किया है, और यहाँ बेस में क्या है? अब ये सामने आ जाएगा माइनस 3, तो क्या बचेगा? ये 1 हो जाएगा, तो क्या माइनस 3 इंटू 1, तो माइनस 3 आएगा क्या आंसर? परफेक्ट।
डन यहां तक। ओके सो नाउट ठीक है डन। नेक्स्ट सब नंबर 22 भी डन ना। 23 हम नहीं कर रहे हाँ ऐसा ही किए हैं खुद से कीजिएगा। ये भी सेम ही है 24 होगा आप लोगों से। क्लास से निकल के करते हैं भाई। ठीक है कर लीजिएगा खुद से। यही तो करना था। इसको राइट से लेफ्ट जाएंगे राइट से लेफ्ट ऐसा वाला चीज। फोर नहीं टू का पावर फोर फिर फोर सामने आ जाएगा वो वन बन जाएगा फिर टू का स्क्वायर ऐसे करके निकाल लीजिएगा या करके दिखाते हैं। अच्छा एक भी सम ऐसा किए नहीं थे तो कर ही लीजिए आप लोग खुद से कीजिए हम भी कर दे रहे हैं। हाँ हाँ ओके परफेक्ट। इसको हम क्या बोले राइट से आइएगा और जब भी इक्वल टू साइन रहेगा तो किधर से आएंगे लेफ्ट से। बना रहा है ना आंसर सी होगा फिर डन। डन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखे क्या दिया हुआ 25 25 में डिक्टेट कीजिएगा क्या कोई लॉग बोले। हाँ 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 अच्छा 512 ही दिया था इस टू हाँ थ्री 324 सुनो ना कुछ नहीं करना है इसमें। ओए बातचीत नहीं एकदम ऑप्शन चेक से फटाफट आंसर निकाल लिएगा ठीक है निकल जाएगा। ये बस आपको ये देखना 2√2 है ना ऑप्शन चेक में देखना इसको कितने बार करेंगे जो ये 512 देगा। 512 देने के लिए कौन सा ऑप्शन पकड़ना चाहिए अपने को ठीक है। ऑप्शन में वैसा कुछ दिया नहीं है तो रेशियो दिया नहीं है। अच्छा मेरा ट्रायल अगर रहेगा हम बोलते 6 पकड़िए इसका पावर क्या पकड़िए 6 अगर 6 पावर करेंगे तो क्या आएगा ये 2 का पावर कितने बार 6 बार और रूट 2 का पावर 6 मतलब 2 का पावर 3 बार
तो 2 का पावर 6 प्लस 3 कितना होता है 9, 2 का पावर 9 कीजिए क्या 512 दे रहा है, देखिए देगा दे रहा है क्या 512। वैसे ही मेरे को दूसरा में भी ट्रायल में चेक करना है, ये 3 है ना, 3√2, अब इसमें 6 पकड़े थे तो इसमें 6 पकड़ेंगे तो कुछ ज्यादा चला जाएगा, 4 बार पकड़े गया, 4 बार करके देखिए इसका 4, तो इसका मतलब क्या 3 का पावर 4 और √2 का पावर 4 मतलब 2 का पावर 2, तो 3 का पावर 4 मतलब 81 और इसका पावर 2 मतलब 4, 81 इंटू 4 कितना देता है, देख के समझ में आ रहा है 324 देता है, नहीं समझे क्या। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अल्टीमेटली ओके ये 2√2 आ जाएगा क्या, इसका पावर कितना 6, ये 2√2 और इस 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे log 3√2 का पावर कितना 4, 3√2, सुन रहे क्या मेरा बात सबको, तो ये अल्टीमेटली 6 आएगा सामने, फिर तो सेम बन जाएगा ना, जानवी अनिकेत आर्यन सब देख रहे हैं, सेम बन जाएगा ना, तो सेम बन जाएगा तो क्या वो 1 नहीं हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 6:4 दे रहा, 6:4 तो 3:2 आया क्या, तो तनीषा एकदम करेक्ट बोल रही थी ना, 3:2 ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक, करेक्ट, नोट कर लिए इसको, नहीं नोट करना है कर लीजिए फटाफट। डन नेक्स्ट, ओके तो कंटिन्यू जाता जा रहा है ठीक है, ओके आइए ओके, अच्छा बताइए इसमें क्या आ रहा है 26 क्या, डिक्टेट कीजिए तो एक बार, 1/5 फिर हाँ 1 + 1/6 टू द बेस 5, ओके डॉट 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 लॉग 1 + 1/6 लॉग 1 + 1/6 टू द बेस 5, ओके अच्छा इसका वैल्यू पूछा है ना, अच्छा स्टार्ट करते हैं, चलिए एक ही तरीका समझ में आ रहा है, इसको अगर ऐड करेंगे एलसीएम करके देखिए 6/5 टू द बेस क्या आएगा 5, ये क्या हो जाएगा, अच्छा इनटू करके लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं इनटू करके, इनटू क्या करेंगे लॉग 7/ हाँ एग्जैक्टली नहीं इंटू होगा तो लॉग तो हो रहा है मतलब ओहो एक साथ बैठ जाएगा ना इंटू में, इससे अच्छा पहले क्या लिखेंगे लॉग 7/6 आ जाएगा क्या, एंड देन फिर क्या आ जाएगा इंटू नहीं इंटू नहीं प्लस, फिर क्या आ जाएगा नेक्स्ट हाँ लॉग 625
टू द बेस कितना? 5। कोई दिक्कत अभी तक? अब देखिए अगर ये मल्टीप्लाई भी होता तो क्या आता? बेस में कितना है हमारा? 5। और अगर मल्टीप्लाई होता तो 6/5 इंटू 7/6 इंटू कैसे जाता लास्ट? 625/624, राइट। तो अल्टीमेटली आता क्या इधर? हाँ 624 दिया है। नीचे 624 नहीं लिखे क्या हम? हाँ, 624 होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ अगर बीच में कैंसल आउट भी होता तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 6-6 कैंसिल हो रहा है, राइट। और अगर ये 1+ जा रहा है, 1+ पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1/5, 1/6, 1/7 ऐसे ही जाता ना, 1/8, 1/9, तो बीच में क्या सब कटता जाता क्या यहाँ पे? सब कटता तो बचता क्या फाइनली? अगर अगर सब कट ही जाता तो बचता क्या यहाँ पे? तो 625/5। हाँ बेस में 5 है और यहाँ पे देखिए अगर कटता तो ये 6 तो कट जा रहा है और ये बेस का बचता और इसका क्या लास्ट वाला बचता? इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला, क्योंकि कट कैसे रहा है? इसका फर्स्ट, इसका ये, बीच का सब कटता तो अल्टीमेटली बचता 625 टू द डिवाइडेड बाय कितना बचता यहाँ पे? 5 बचता। तो ये क्या दे रहा है आपको? 125 टू द बेस 5। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग 5 का क्यूब और ये 5 तो सामने आएगा तो क्या आ जाएगा? 3 लॉग 5 टू द बेस 5। तो ये 3 देगा क्या आंसर? नोट किए क्या इसको? और इतना जल्दी कैसे किए होंगे? हो गया, परफेक्ट। yes. बहुत फास्ट है आप लोग, कहाँ से आदत लगा है इतना फास्ट नोट? एग्जाम ऐसे एग्जाम का हाल था, हम कर रहे हैं, पीछे वाला फ्रेंड बोला था दिखाने, अब लिख लिए हैं, हम बोले रुके ना भाई, पलटा हो गया इतना फास्ट, मेरा हुआ नहीं कि उसका भी हो गया। रुक मत भाई, चल आगे आगे। नहीं नहीं हाँ, प्रोफेशनल एग्जाम में ऐसा कोई दिखाएगा भी नहीं और आपको मौका भी नहीं मिलेगा, वो स्कूल एग्जाम तक ही दिखता है, इसीलिए फुल प्रिपरेशन। हाँ कॉलेज स्कूल में ऐसा चलेगा। आइए अच्छा 27 नंबर देख लेते हैं हम लोग, कितना सम्स है अभी? 32। आइए 27 नंबर देखे फटाफट, 27 देखे क्या बोल रहा है लॉग? 0.01 का वैल्यू। ओके 0.01 क्या? परफेक्ट। इसको कैसे लिख सकते हैं? लॉग 10 का पावर कितना? 4, राइट। तभी तो 4 0 आएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/100। 1/100 करने से ना डेसिमल 0.01 आएगा और इसका एक ही तो है पावर, तो अल्टीमेटली इसको कैसे लिखा जा सकता है? 10 का पावर 4, कोई दिक्कत? और यहाँ क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर -1, नहीं -2 जाएगा। 10 का स्क्वायर ही तो 100 होता है हमारा, 10 का पावर क्या जाएगा फिर? -2 जाएगा क्या?
अनिकेत समझे आर्य, ये 100 था, 100 कैसे आता है, 10 का स्क्वायर, तो 1/10 का स्क्वायर है ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10 का पावर -2, और ये वाला पावर सीधा आता है सामने, 4 आ गया, और ये जब भी आता है तो कैसे आता है, डिवाइड में होके उल्टा होके आता है, तो ये क्या दे देगा, log 10 टू द बेस 10 आ गया यहाँ पे, तो अल्टीमेटली ये कटेगा तो कितना 2, तो -2 आ रहा है क्या आंसर, ऑप्शन बी, तो -2 ही आएगा आंसर। डन क्या, करेक्ट। वैसे ही नेक्स्ट वाला है 28, सोचते हैं छोड़ छोड़ के, बाकी छोड़ छोड़ के कर ले, लेकिन फिर लगता है कि कौन सा छोड़ा है, सब तो अलग अलग थोड़ा बहुत एग्जाम में आया हुआ है तो वैसा ही है, लेकिन हाँ थोड़ा मेन मेन करके करना होगा। log x y स्क्वायर y स्क्वायर देन माइनस log y, हाँ इक्वल टू log x प्लस 5, हाँ और कुछ, बस ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से, ये क्या पूछ रहा है, वैल्यू किसका पूछ रहा है, y का किसके टर्म में, x के टर्म में, वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, सुन रहे हैं ना सब कोई, एक्स वाई स्क्वायर और इसको माइनस में आना तो क्या लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस वाई, एंड देन ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ लॉग, अच्छा तो यहाँ पे देखिए अल्टीमेटली इधर लॉग एक्स प्लस वाई था ना राइट हैंड साइड में, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आ जा रहा है, log एक्स वाई आ जा रहा है राइट, तो ये अगर इक्वल आ रहा है log एक्स वाई आ रहा है, वैसे करना होगा, तो यहाँ पे क्या आया, अब मेरे को ये बताइए यहाँ पे क्या दिख रहा है, log एक्स वाई, और इधर क्या दिख रहा है, log एक्स प्लस वाई, अगर ऐसे आप लोग एकदम करेक्ट बोल रहे हैं कि ये अलग अलग करके कर लेंगे, उससे अच्छा अलग क्यों करें, दो ठो log दिख रहा है कैंसिल कर देंगे, इजी नहीं हो जाएगा क्या, दो तो लॉग दिखा दोनों साइड में कैंसिल कर दिए, तो लॉग कैंसिल कर दिए, अब y y को एक साइड लाइएगा, तो एक्स वाई माइनस वाई कर लें क्या, इज इक्वल टू कितना, x कॉमन ले लें y को, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना x, तो y का वैल्यू क्या आना चाहिए, therefore y is equal to x by x minus 1 क्या ऑप्शन में है, सी, परफेक्ट। नेक्स्ट, ये सब मत पूछेगा, ठीक है निकाल लीजिएगा खुद से, 9 5 45, तो आंसर क्या हो, ये भी पूछेगा क्या मेरे से, अब फिर से निकाल लीजिएगा ना, 27, अभी ऐसा सम किए थे ना हम लोग, याद है 1/15 वाला, डिटो कॉपी पेस्ट 1/15 का, 31 देखें, ये 31 भी चलेगा, देख लेते हैं, अच्छा हो जाएगा क्या, फिर भी देख लेते हैं, 31 31 में बोलिए तो डिक्टेट कीजिए लो, हाँ बेसे इज इक्वल टू, हाँ हाँ ब्रैकेट में, अच्छा उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है सोनम, इज इक्वल टू कितना x बोला है क्या,
परफेक्ट। मांगा क्या था फिर? लॉग ए बी टू द बेस बी ना, लॉग ए बी टू द बेस बी, ए बी टू द बेस बी। ठीक है ठीक है ठीक है, ए बी टू द बेस बी पूछा है, राइट सुन रहे हैं क्या मेरा बात? इसको कैसे लिख सकते हैं? जानवी ध्यान दे रहे इधर, इसको कैसे लिख सकते हैं? लॉग ए टू द बेस ए प्लस लॉग बी टू द बेस ए लिख सकते हैं क्या? इज इक्वल टू कितना? एक्स। तो यहां से अपने को क्या मिल सकता है? लॉग ए टू द बेस ए के जगह में क्या लिख सकते हैं? वन। और ये क्या हो जाएगा? वन प्लस बी टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। तो लॉग बी टू द बेस ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वन आ जाएगा क्या इसका वैल्यू? लॉग बी टू द बेस ए का वैल्यू एक्स माइनस वन आ गया हमारा। कोई परेशानी यहां तक? पूछा क्या? लॉग ए बी टू द बेस बी, देयरफॉर लॉग ए बी टू द बेस बी। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो कैसे आएगा ये? लॉग बी प्लस लॉग बी टू द बेस बी ना, तो क्या निकल के आएगा? इसको ऐसे उल्टा लिखें क्या? बी टू द बेस ए ना, और इसका वैल्यू अपने को पता है राइट, और इसका वैल्यू क्या है? वन। और इसका वैल्यू क्या पता है आपको? वन बाय एक्स माइनस वन ना। सोनम समझ रहे? ये उल्टा है, उल्टा होगा तो अब ओ एक्स माइनस वन है, ओ डायरेक्ट आप लोग बताए ना। हाँ ठीक है, तब वही हम सोचे ऐसा है क्या? एक्स माइनस वन, वन बाय एक्स माइनस वन प्लस क्या आ गया? वन। इसको ऐड कर पाएंगे हम लोग? एक्स माइनस वन ऊपर क्या आएगा? वन प्लस एक्स माइनस वन, तो वन वन कट जाएगा, तो क्या आएगा? एक्स बाय एक्स माइनस वन। कोई दिक्कत? परफेक्ट, एक्स बाय एक्स माइनस वन विल बी द आंसर राइट। डन ये 32 खुद से हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, लास्ट छोड़ने का मन नहीं कर रहा था लास्ट वाला। ठीक है दिखा देते एक बार, जल्दी नाश्ता वास्ता के लिए भागना है क्या? हो गया हो गया हो गया, कोई बात नहीं। 32 बताए तो फटाफट क्या है? लॉग बेस फोर हाँ प्लस लॉग एक्स बेस 16 हाँ प्लस लॉग एक्स बेस 64 हाँ प्लस लॉग एक्स बेस 256 हाँ इज इक्वल टू 25/6। हाँ देखिए ये कैसे निकालेंगे हम लोग, सीधा सीधी यहाँ पे क्या पकड़ सकते हैं? लॉग, इसको 4 पकड़ लें, इसको क्या कर सकते हैं? लॉग एक्स 4 का स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हैं? लॉग एक्स 4 का क्यूब, इसको क्या कर सकते हैं? लॉग 4 का पावर 4 इज इक्वल टू क्या आएगा? 25/6। लॉग एक्स बाय 4 कॉमन ले लें, एक्स बाय 4 नहीं एक्स टू द बेस 4, फिर 1 प्लस, ये आपको पता ना ये सामने आता तो क्या आता? उलट के आता ना। तुलसी सोनम सब समझ, आप लोग नाम लिए थे ना? अरे नहीं 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 कोई नहीं कौन, अरे ऐसे ही नाम आ गए हमें। ठीक है चलिए, ये क्या आ जाएगा? 1/2, ये कितना है? 1/4, ये कितना आ जाएगा? 25/6। ये कोई दिक्कत यहाँ पे?
अब देखिए ये क्या देगा आपको, ऐड करके कितना आ रहा है, ऐड कर पा रहे हैं आप लोग, एलसीएम कर पा रहे हैं इसका? बताइए फटाफट, ये 25/12 इज इक्वल टू 25/6। अब ये मल्टीप्लाई वाला चीज उस साइड भेज दें क्या, 25/6 इंटू 12/25 तो ये 6 से 2 बार में कट जाएगा, तो क्या आ रहा है इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4 का पावर 2, तो कितना दे रहा है, 16 दे रहा है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके डन, परफेक्ट। अरे एक तो हम लोग लॉन्ग वाला, कौन सा वाला रह गया था लॉन्ग करने का? ओके तनिषा तो फटाफट पैकिंग कर ली फटाफट, कि नहीं अब तो दूसरा देखना ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है एकदम रेडी। अब है ही नहीं, 12 से क्लास है, नेक्स्ट टाइम है। एक तो था ना कुछ सर, कर लिए थे क्या हम लोग? ओके ओके अच्छा ठीक है ठीक है, सब कर लिए ना आप लोग? हाँ इसका जो बता रहे थे, इसका इसका याद है हम लोग ऑप्शन से कर लिए थे, एक बार देखें एक बार, क्योंकि तसल्ली नहीं मिल रहा बिना वो लॉन्ग किए कि रुके क्यों थे। फोर नंबर था ना, क्योंकि माथा में बार बार वही घूम रहा है कि उसको खाली शॉर्ट में हम क्यों छोड़ दिए। लॉग क्या है, टू रूट एक्स, इसका 16 आ रहा था, तो इसका आंसर ये था ना, टू रूट एक्स बेस में रूट एक्स, और क्या था क्वेश्चन, इसका स्क्वायर और इसका लॉग 2 बेस x, यही था क्या x का वैल्यू पूछा था? ठीक है इतना तो हम लोग कर ही रहे थे, क्या किए यहाँ पे लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 और x का पावर हाफ इसका स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग, ये इसको हम क्या बोले हैं, ये उलट के सामने आता है ना, तो कैसे आएगा? वैसे शॉर्टकट ही एग्जाम में करना है आपको, फिर भी ये तरीका देखना चाहते थे कि ऐसे यहां तक किए हम लोग। हाँ फिर फर्स्ट किससे जा रहे थे हम लोग, स्क्वायर वाले चीज से, राइट, स्क्वायर अपने को तंग कर रहा था कि स्क्वायर को इधर ले जा रहे थे, वो वहां पे फंसा दे रहा था, इधर ला रहे थे उसमें दिक्कत कर दे रहा था, तो क्यों ना कुछ ऐसा कर लें, इसको स्क्वायर करेंगे 2 का तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, और इसको जैसे a का स्क्वायर है तो हम a इंटू a भी तो लिख सकते हैं, तो क्यों ना इसको ऐसे ही लिख लें, log 2 टू द बेस एक्स इंटू log 2 टू द बेस एक्स, झमेला ही खत्म। फिर ये क्या हो जाएगा, log 2 टू द बेस एक्स कट जाएगा, तो उधर 1 बचेगा क्या, ये 4 उधर जाए, वो कट के उधर 1 बचा है, तो ये 4 को भी हम अगर उधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, log 2 टू द बेस एक्स इज इक्वल टू 1/4 क्या। अब क्या बोल रहा है, फिर अब अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4, राइट, अब पावर दूसरा साइड लाएंगे तो क्या आएगा, 2 का पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, परफेक्ट, अब थोड़ा तसल्ली मिला है।
ठीक है, डन। क्या ये लॉन्ग था? लॉन्ग एग्जाम में मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा, ये लॉन्ग तरीका ऑप्शन से आ जाता है। डन लिख लिए या जल्दी भागने के लिए बोल दे रहे? हाँ हाँ लिख लिए, कॉपी आके देखें। अच्छा ओके, भरोसा। चलिए थैंक यू।